हेलो दोस्तों, ये है आपका एप्सन L3150 प्रिंटर है और इसमें वाईफाई भी चलता है। इसमें क्या है कि इसमें प्रॉब्लम जो फंस गया है, इसका जो पेपर है पेपर जैम है, पेपर फंस गया है। तो इस प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है प्रिंटर का, तो इस प्रॉब्लम का कैसे सलूशन किया जाता है ये आपको सिंपल तरीके से आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों देखिए, ये जो एप्सन का प्रिंटर है, जब भी आप पेपर डाले हैं या कोई पेपर में फोल्ड वगैरह या पेपर में डस्ट रह जाता है तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली जाम हो जाएगा। तो इसलिए आपको दिखा रहा है क्या सिग्नल, आपको जो 4-5 जो लाइट है ये आपको ब्लिंक करेगा एक साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर जब पेपर जैम का जो बटन है साइड में, इसको प्रेस करके देखना है। अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन सही नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, पूरा सामने का जो पैनल है इसको खोलना होगा। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, ये रोलर के नीचे आपका पेपर फंस गया है और ये पेपर आपको निकलना है, सही तरीके निकलना है, क्योंकि इसका जो लेंस है या लेजर है इसमें अगर चोट ना पहुँचे। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा यहाँ पे साइड में जो स्क्रू दिखा दे रहा है, एक तरफ दाएं और एक तरफ बाएं तरफ, ठीक है, तो दोनों स्क्रू को आपको सावधानी से निकल खोलना है। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो आपको दिखाऊंगा कि आपको आसान तरीके से आपको पेपर निकल जाए और आपको मैकेनिक को बुलाना नहीं पड़ेगा। सिंपल तरीका है, और ये है काली मैंने इंक का पेप, मैं इंक का जो ढक्कन है, ढक्कन खोल के देखना है कि इसमें साइड में जो स्क्रू लगा है, इस स्क्रू को निकालने के लिए इस ढक्कन को खोलना होगा। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे आपकी मर्जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो। देखिए दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ऊपर का जो ढक्कन है ये तो खोलना ही है, लेकिन इसके नीचे जो पैनल है इसके आहिस्ता आहिस्ता आपको निकल रहा है एकदम स्लाइटली, क्योंकि यहाँ पे जो रिबन है लेंस का जो रिबन है अगर टूट ना जाए तो। मेन पेपर को निकल के बाद आपको जो पेपर फंस गया है वो पेपर आपको आहिस्ता आहिस्ता खींचना होगा। ठीक है, मिडिल तरफ आपको पकड़िएगा, मिडिल में या दोनों तरफ दो साइड में आपको पकड़ के सेम टू सेम पेसा डालने के बाद आपको ये पेपर निकालना होगा। अगर पेपर फंस जाएगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता निकलना है ऐसे, अगर पेपर मिडिल में फंस जाएगा तो आपको यहाँ से भी बाहर निकलना है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है पेपर कभी कभी। ये पेपर दोस्तों देखिए, पेपर आसानी से निकल गया पूरा पेपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पेपर फंस जाएगा तो आपको सामने से आपको ट्वीज़र की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा पेपर निकलना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको वॉश कर देना होगा। तो यहाँ का आपको देखना है कि पेपर आपको सीधी तरीके से पेपर निकल गया है, और इसके बाद आपको ये लाइट ब्लिंक कर रहा है और आपको पावर बटन दबा के ऑफ कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको फिर से ऑन करना है प्रिंटर को। देखिए दोस्तों, जब ये लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, ये ब्लिंकिंग आपको वाईफाई की बटन के साइड में जो दो लाइट ब्लिंक हो रहा है ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद प्रिंटर ऑन हो जाएगा, मतलब इसका काम चालू हो जाएगा। और इसका जो ढक्कन है आपको डाल देता हूँ, और इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फिर से लाइट, दोनों लाइट पेपर जैम का लाइट ऑन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से पावर बटन दबा देना है,
जब तक ना ये नॉर्मल हो जाए। और एक वाइट पेपर आपको ट्रे में डाल देना है कैचर में, और देखना है कि आप ये प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको बटन दबा देना है जेरोक्स का, अगर जेरोक्स क्लीन निकल रहा है कि ब्लैंक पेपर निकल रहा है तो मतलब इसका मतलब है आपका लेजर इंक या लेंस सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों पेपर एकदम सही तरीके से निकल गया, पूरा वाइट क्लीन पेपर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए नया वीडियो।